शहर के केडी के अभियांत्रिकी महाविद्यालय को 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रहास हांडा ने शनिवार को पत्र परिषद में यह जानकारी दी। डॉक्टर हांडा ने विश्वास जताया कि स्वास्थ्य दर्जा मिलने के बाद भविष्य में उद्योगों के लिए जरूरी अभियंता प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से संलग्न केडी के महाविद्यालय 1984 से कार्यरत है। 4 दशकों के इस सफर में महाविद्यालय ने अभियांत्रिकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित किया है। उसे NAC की मान्यता भी है। NBA द्वारा मान्यता प्राप्त 5 पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ISO प्रमाण पत्र भी है। 43 से अधिक PhD प्राध्यापक है। अनुसंधान के लिए अनुदान भी मिला है। इस दौरान उप प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पत्र, डॉक्टर प्रभाकर खंडायत, डॉक्टर शुभांगी आंबिकर, डॉक्टर वाल्सन वर्गीस के साथ ही अन्य उपस्थित थे। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रहास हांडा और मेरे साथ मेरी टीम केडी के हैं। मेरे डॉक्टर एम बदर वाइस प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर वाल्सन वर्गीस है और बाकी सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हैं। मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करने में अत्यंत खुशी होती है कि केडी के इज नाउ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। केडी के 1984 में चालू, 1984 में शुरू हुआ, आज 40वें वर्षगांठ पे उसके 40 साल हो गए और वी आर ऑटोनॉमस। सिर्फ वो एक अचीवमेंट नहीं है, इस अचीवमेंट के साथ हमने बहुत सारी और एक्रेडिटेशंस की। एक्रेडिटेशन आप समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये वो है स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA के हमने 4 टर्न हुए हैं, हमारी 5 डिपार्टमेंट एक्रेडिटेड है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है। वैसे वी आर एक्रेडिटेड बाय NAC, NAAC अपन जो बोलते हैं NAC, वी आर एक्रेडिटेड बाय इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स। वी आर ऑल्सो, इफ यू कमिंग डाउन टू दी फैकल्टी वाइज, हमारे पास के कॉलेजेस में 43 PhDs एट फैकल्टीज। एवरेज फैकल्टी की एज या एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन है बहुत माने रखता है क्योंकि इतने साल से निकला है। दो कारण, एक तो एकेडमिकली सीनियर रहता है, दूसरा उसको एनवायरमेंट अच्छा लगता है इसलिए वो माइग्रेट नहीं करता, शिफ्ट नहीं करता। एवरेज एज 25 से 30 साल एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ 37 ईयर 38 ईयर आई सपोज, है ना। वी ऑल आर हियर लास्ट अबाउट 3 decades प्लस इन द कॉलेज, दैट स्पीक्स ऑफ KDK क्या है। KDK में हमारे बहुत सारे रिसर्च ग्रांट्स मिले, AICT की जितनी भी रिसर्च की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की जितनी स्कीम्स है, हर स्कीम में तकरीबन KDK को रिसर्च के लिए मिला है। वी हैव मल्टीपल पेटेंट्स विथ अस, पब्लिकेशन में हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं। सो KDK इन सेंट्रल इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन विच इज डिलीवरिंग हाई क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इस दौरान चंद्रहास हांडा बोले कि स्वर्गीय भाव साहेब मुलक ने यह संस्था स्थापित की है। महाविद्यालय के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं विद्यार्थियों व पालकों के सहयोग से आज महाविद्यालय को स्वास्थ्य दर्जा प्राप्त हुआ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।